हिमाचल के सोलन में जहां पर हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री कुछ बोल। और हालांकि जो रिलीफ का जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जोर के साथ काम कर ही रहा है, लेकिन हमें लगा कि तुरंत एनडीआरएफ को यहां पर भेजना है, और जैसे मैं लैंड किया तो लैंड करने के बाद अपना जो चॉपर है सरकारी चॉपर तुरंत हमने करके सुन्नी जाकर के, और सुन्नी से कुछ इक्विपमेंट जो जरूरी था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उसको यहाँ पहुंचाने के लिए। सर कैन यू एक्सप्लेन, लेकिन सीएम साहब ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है सर, घटिया क्वालिटी के, नॉट प्रॉपर एंड देयर वाज नॉट अ स्ट्रांग फाउंडेशन। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक सर कैन यू बी हियर, वी आर कैमरामैन हियर प्लीज, कैन यू बी हियर सर। जो भी इसमें कमियां रही होंगी अभी तक तो यही जानकारी मिली है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है और जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो नहीं, ये जानकारी मोटे तौर पर सुनने को मिली है, लेकिन मैंने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही हम। लेकिन सर हमारे आसपास की तमाम सारी बिल्डिंग पालन नहीं किया जा रहा है, मौत को दावत दे रही है, और अनफॉर्चुनेटली अपनी जान गवाई, कुछ जगह ऐसा है इस पर कार्रवाई सब क्यों नहीं। स्टिल ट्रैप्ड, व्हाट इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 7 लोग अभी भी उम्मीद में है। सर क्या सरकार जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी पे नजर नहीं रखती है सर? यहाँ सब दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से होता है, कुछ जगह कुछ लोग नहीं करते हैं सर, भ्रष्टाचार भी है क्योंकि इसमें सरकारी अधिकारियों की भी कमी है, पेड़ की सरकारी अधिकारियों की कमी है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब सवाल पूछा गया इस पूरे हादसे को लेकर, उन्होंने कहा है कि इस पर जांच की जा रही है, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर को लेकर अभी संशय बना हुआ है, उस पर भी कुछ लापरवाहियां रही हैं, और जांच के बाद ही कुछ कहा जा पाएगा। आपको बता दें कि कल हिमाचल के सोलन में इमारत ढही थी। क्या कर रही है ये अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जिनसे वो बचते हुए दिखाई दिए, हालांकि वो जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन वही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।